क्यों की जाती है शिवलिंग की पूजा? शिव शंभु आदि और अंत के देवता है, और इनका न कोई स्वरूप है और न ही आकार, वे निराकार है। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। भारत में 12 शिवलिंग है, जिसके विषय में मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में लोगों ने मंदिर बनाकर शिवलिंग को स्थापित किया है और उनकी पूजा करते हैं। लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। आदि काल से ही मनुष्य शिव के लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सभी देवों में महादेव के लिंग की पूजा क्यों होती है? इस संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं और कथाएं हैं। शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति है, और अगर इसे धार्मिक अथवा आध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है, तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष और न ही केवल प्रकृति का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक और दोनों ही समान है। वेदों में मिलता है उल्लेख। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है, मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा लिंग की प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा के विषय में जो तथ्य मिलता है वह तथ्य पौराणिक कथा से अलग है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और पर ब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के पर ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव के पर ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में लिंग की पूजा आरंभ हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाल विष आया। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण किया तथा नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। श्री शिव महापुराण के सृष्टि खंड अध्याय 12 श्लोक 82-86 में ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी वेद व्यास जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हर गृहस्थ को देवधारी सदगुरु से दीक्षा लेकर पंच देवों की प्रतिमाओं में नित्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि शिव ही सबके मूल है। मूल को सींचने से सभी देवता तृप्त हो जाते, परंतु सभी देवताओं को तृप्त करने पर भी प्रभु शिव की तृप्ति नहीं होती। इस बात का प्रमाण शिव महापुराण सृष्टि खंड में मिलता है। इस पुराण के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के साथ निर्गुण निराकार अजन्मा ब्रह्म से प्रार्थना की, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रभु शिव बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का पूजन करो। जब जब किसी प्रकार का संकट या दुख हो तो शिवलिंग का पूजन करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जब देवर्षि नारद ने श्री विष्णु को श्राप दिया और बाद में पश्चाताप किया, तब श्री विष्णु ने नारद जी को पश्चाताप के लिए शिवलिंग का पूजन, शिव भक्तों का सत्कार, नित्य शिव सत नाम का जाप आदि क्रियाएं बताई। वैज्ञानिक कारण। हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले हैं। एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। यह प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। वह मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है,
इसी से लिंग पूजा की परंपरा चल पड़ी। सिर्फ भगवान शिव इस रूप में पूजे जाते हैं। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूप में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।